तो गाइस फिर से आ चुका है नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट का जो गिफ्ट कार्ड का बैलेंस है आप किस तरीके से उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्लिपकार्ट में जो आपको आप लोगों को जो गिफ्ट कार्ड मिलता है और गाइस गिफ्ट कार्ड वॉलेट में जितने सारे बैलेंस है आप उस बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। गाइस अगर आप लोग फ्लिपकार्ट में शॉपिंग नहीं करते हैं और गाइस आपका जो गिफ्ट कार्ड में जो बैलेंस पड़ा है अगर यूज करना चाहते हैं, मतलब आप लोगों को जो बैलेंस आप लोग यूज नहीं करते हैं, तो गाइस जो कि ये बैलेंस एक्सपायर हो जाएगा और गाइस ये बैलेंस्ड हो जाएगा। और गाइस आपके लिए क्या करना पड़ेगा आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप किस तरीके से गिफ्ट कार्ड का जो बैलेंस है उसको आप किस तरीके से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस हमें से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो गाइस आपका एक लाइक हम लोगों को 100 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो गाइस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और गाइस चैनल में नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है इस चैनल में इस तरीके से जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स और गाइस प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देखने को मिलता है। तो गाइस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आप लोग जो कि फ्लिपकार्ट का जो गिफ्ट कार्ड का बैलेंस है आप किस तरीके से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस फ्लिपकार्ट कार्ड का जो गिफ्ट कार्ड बैलेंस है आप लोग अगर आप लोग बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो गाइस मैं आप लोग को 2 से 3 प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो गाइस ये प्रोसेस आप लोगों को जो कि फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग जो कि डायरेक्टली उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो गाइस मैं यहाँ पर जो कि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। तो गाइस अगर समझ लीजिए आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट का जरूरत नहीं लेकिन दोस्तों आप लोग जो गिफ्ट कार्ड का बैलेंस है वो आप लोग जो कि लेना चाहते हैं बैंक अकाउंट में, तो गाइस सिंपली क्या करना पड़ेगा आप लोगों को फ्लिपकार्ट में जाना है और गाइस किसी फ्रेंड या किसी भी रिलेटिव का आप लोगों को एक प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट में आप लोगों को जो बैलेंस है उस बैलेंस से आप लोग जो किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है और गाइस जो कि आप लोगों को फ्रेंड या रिलेटिव के पास से यहाँ पर जो कि आप लोगों को पैसा को लेना है, तो गाइस इस तरीके से आप लोग एक कर सकते हैं। और सेकंड वाला जो आप लोगों को ऑप्शन मिलता है तो गाइस आप लोग जो कि किसी भी किसी का भी मोबाइल रिचार्ज करके भी ये सारे पॉइंट को अपना बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो गाइस सो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग जो कि किसी भी फ्रेंड का मतलब किसी भी फ्रेंड का ऑर्डर करके या आप लोग किसी भी रिलेटिव का ऑर्डर करके या मोबाइल रिचार्ज करके आप लोग जो कि आप फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड में जो बैलेंस है आप उसको इस तरीके से जो कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय एंड टेक केयर।